नमस्कार, पल्पिट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप आपकी व्हीकल अवेलेबल कैसे करें और ट्रिप कैसे डालें उसकी जानकारी देंगे। स्क्रीन पर दिए गए प्लस के निशान पर क्लिक करें। अब आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ट्रिप जोड़ने के लिए आप ऐड ट्रिप पर क्लिक करें और अपनी गाड़ी को अवेलेबल करने के लिए आप ऐड व्हीकल पर क्लिक कर सकते हैं। हम इस वीडियो में एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल व्हीकल करने का तरीका जानेंगे। यहां आपको दो विकल्प मिलेंगे, इन सिटी और गोइंग टू। इन सिटी चुनने पर आपको किसी भी सिटी के लिए ट्रिप प्राप्त हो सकती है और अगर आप किसी विशेष स्थान या स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो गोइंग टू विकल्प को चुनें। इन सिटी विकल्प चुनने के बाद आपको नीचे दी गई डिटेल भरनी होगी। इसके लिए आपको गाड़ी की मौजूदा लोकेशन को दर्ज करनी होगी। फिर आपको अपनी मौजूदा गाड़ियों में से किसी एक का चयन करना होगा और अवेलेबल टाइम और डेट को दर्ज करना होगा। यह स्क्रीन में आर यू अवेलेबल नाउ का मतलब अगर आपने इस विकल्प को सेलेक्ट किया है तो आप उसी समय से दर्ज किए गए स्थान पर जाने के लिए अवेलेबल हैं। अवेलेबल नाउ विकल्प के नीचे अवेलेबल आवर्स का विकल्प मौजूद है। इस विकल्प में आप चुनिंदा घंटों के लिए अपनी गाड़ी को अवेलेबल कर सकते हैं। दर्ज करने के पश्चात आप सर्च ट्रिप पर क्लिक करें। आपने जिस भी सिटी के लिए व्हीकल अवेलेबल किया है उस लोकेशन की ट्रिप्स यदि उस समय होगी तो दिखाई जाएगी, अन्यथा जैसे ही ट्रिप्स आपके समय अनुसार आती है तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाएगा। अब मौजूदा ट्रिप्स में फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकता अनुसार इसे फिल्टर भी कर सकते हैं। आप इन मौजूदा ट्रिप्स में से किसी भी ट्रिप को बुक नाउ बटन पर क्लिक करके चैट सिस्टम के द्वारा ट्रिप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन को मिस ना करें। धन्यवाद।